नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए देश के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं और समाज के अलग अलग तबकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे बात की। इस संवाद के जरिए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई इलाकों में लोगों और कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बात की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उन प्रदेशों की सरकारों पर निशाना साधा जहां भाजपा की सरकार नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है वहां जनहितैषी योजनाओं का बुरा हाल है। उनकी योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, आयुष्मान योजना तक में रोड़ा डाला जा रहा है। जिन तीन राज्यों में सरकार नहीं बनी वहाँ के हाल देखिए, जन कल्याणकारी योजनाओं पर कैंची चलाई जा रही है। जिस सहजता और सरलता के साथ उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का और देश की जनता का उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है और उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी दिया है कि केंद्र की सरकार ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उनको जनता तक किस तरह लेकर जाना है और उसके साथ साथ पूरे देश में एक स्पष्ट संदेश भी दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके भीतर आंतरिक लोकतंत्र होना कितना आवश्यक है। विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना, देश से जुड़े हुए, देशभक्ति से जुड़े हुए विषयों पर, समस्याओं से जुड़े हुए विषयों पर सवाल उठाना ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो ऐसा मानते हैं। स्पष्ट रूप से कहा है, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो अथवा राजस्थान हो, ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा जनहित जन कल्याण की जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी उन सबको न सिर्फ रोका जा रहा है बल्कि उनको खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से प्रमाण है, हम मध्य प्रदेश की धरती में है, जबलपुर में है, यहाँ प्रमाण है। संबल जैसी योजना बंद कर दी गई, राज्य बीमारी सहायता योजना बंद कर दी गई, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई, इन सबके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी किसी को नहीं मिल रही। कुल मिलाकर ऐसी वो सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा चलाई गई थी उनको रोकने का प्रयास हो रहा है। और इससे भी बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस बार के बजट में पूरे देश के किसानों को 2 हेक्टेयर से कम जोत के जो किसान हैं, जिनकी संख्या देश में 12 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे किसानों को साल में सीधे उनके खाते में 6,000 रुपए की राशि पहुंचे, इसको भी मध्य प्रदेश में रोकने का प्रयास हो रहा है। मध्य प्रदेश के ऐसे किसानों की सूची अभी तक केंद्र सरकार को नहीं पहुंचाई गई जबकि बाकी राज्यों ने दे दी है और वहां किसानों के खातों में पैसा पहुंचना भी शुरू हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के साथ मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार अन्याय कर रही है केवल इसलिए क्योंकि वो केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया है।